मना नहीं करता था, जो भी आए आइए, सबका स्वागत है, क्या आपकी सेवा हो सकती है। तो उनको हमने अंदर बुला लिया। अंदर बुलाने पर उन्होंने बताया कि साहब ये झाड़ी जो है ना, हमारे गेहूं और जौ, ये दो फसल वहाँ पर मेन होती है, कि उन खेतों को ख़राब कर रही है, कृपा करके ये बताइए कि हम इसको बर्बाद कैसे कर सकते हैं, किसको इसको ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कि हमारी गेहूं और दूसरी फसलें ठीक ठाक हो जाए। तो मैंने उसको पौधे को पलट के देखा, हालांकि मैं वहाँ पर था, सड़क के किनारे जाते हुए देखता था झाड़ी को इसको, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था, कुछ होगा, बहुत सारी गाड़ी खड़ी रहती है, होगी कोई। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा भैया मैं इसको पहचानता नहीं, लेकिन मुझको थोड़ा टाइम दीजिए, आप बताएंगे आपका कुछ ना कुछ। मैं उस टाइम पर 1991 में या 1992 में कोई लाइब्रेरी नाम की चीज़ हमारे भी एस्टेब्लिशमेंट, जो कि सबसे अच्छा एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है, नहीं थी, कोई लाइब्रेरी नहीं थी, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ वो क्षेत्र था, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे भी ताज्जुब होता है कि मैं वहाँ पर कैसे सर्विस लिया। तो जब मैं कभी दिल्ली आता था, क्योंकि डायरेक्टर साहब था, साहब थोड़ा काम कम करते हैं, इधर उधर आते जाते जाते हैं, हम लोग मीटिंग ज़्यादा अटेंड करते हैं, तो मैं दिल्ली जब मीटिंग के लिए आया, तो मैं दिल्ली का ही पढ़ा हुआ हूँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में है, आई आर आई, तो उसकी लाइब्रेरी में गया। आई वॉज लकी कि मेरे को जल्दी ही उसके बारे में रेफरेंस मिल गया, और मैं जब लौटा तो मैं उन किसानों को बुला करके बोला कि कृपा करके आप इसको छूए मत, इसको फैलने दीजिए। उन लोगों ने जो अपना मुंह बनाया मेरी तरफ को, मुझको आज तक भी शक्ल याद है कि ये इनकी बात है, ये कहते हैं और इसको फैलने दीजिए। और मैंने उनको उस टाइम पे ये भी कहा कि ये पौधा आपको जितना आपका गेहूँ या जो से रिटर्न मिल रहा है, उससे कई गुना रिटर्न आपको देगा। वो बात आज सच हो गई है। कितना 40 साल लगे उस बात को सच होने में, लेकिन वो सच है। और जितना मैंने बोला था, मुझको और बढ़ चढ़ करके बोलना चाहिए था, वो भी सच होने वाला है। एक घटना थी जब से मैं इसमें इंटरेस्टेड हो गया, फिर आगे कहानी चालू हो गई। और डीआरडीओ को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, डीआरडीओ को मतलब था कि वहाँ के जो जवान वहाँ पर पोस्टेड हैं उनको फ्रेश फूड वगैरह, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करें, ये झाड़ी वहाँ जो पहले से हो रही है उसमें क्या रिसर्च विसर्च करना है, क्या मतलब है। तो डायरेक्टर को कुछ पावर होती है, आप लोग जो बाद में जाके डायरेक्टर वगैरह बनेंगे कहीं ना कहीं, तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्टर की अपनी कुछ पावर होती है। तो उस पावर के अंदर मैंने इसके ऊपर रिसर्च चालू करवाया, और रिसर्च चालू करते करते फिर दिल्ली में एक इस तरह की संगोष्ठी कराई, सेमिनार, जिसमें मुश्किल से 25-30 आदमी रहे हुए, इससे ज़्यादा नहीं थे। लेकिन उसके बाद, संगोष्ठी के बाद, एक बंदा मेरे पीछे पड़ गया कि साहब इसके जो आपने बोला है ये मैंने करना है। मैंने कहा भैया बहुत पैसा चाहिए इसके लिए, और फिर वो जगह ऐसी है, क्या कर पाओगे तुम। लेकिन वो डिटरमिनेंट था, मुझे पता नहीं, शायद ऊपर वाले ने भेजा था कि जाओ काम करो इसको। तो जब वो पीछे पड़ गया तो उसको हमने फिर पूरी तरह से उसकी सहायता की जितनी हो सकती थी, एज पर रूल्स और अगेंस्ट द रूल ऑल्सो, सब कुछ उसको सहायता की। तो सहायता करने से उसने भी काफ़ी मेहनत की, तो बेवरेज सबसे पहले उसका बेवरेज बना ड्रिंक, जो आज की डेट में भी प्रचलित है, लेह बेरी बनने तक कई साल लगे थे, उससे पहले बहुत सारे नाम थे। तो फिर समस्या आई कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र
टेक्नोलॉजी कहाँ से ली, मार्केट में जाना है तो कैसे होगा। अब DRDO की टेक्नोलॉजी में तो 1000 भी कम फिगर है, उससे भी ज़्यादा ऊंची फिगर होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो या जो मैंने अभी सब बताया मूली ग्रह पढ़ने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, फीस सेम है। फीस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक है, अलग अलग रूल नहीं हो सकते, तो वहाँ पर बड़ी समस्या हो गई। जो हमारा इक्विवेलेंट पोस्ट पर हमारे डायरेक्टर साहब था जो इसको डील करता था, उसका हमारा काफ़ी बहस हुई और बहस थ्रेट में बदल गई। हमने डायरेक्टर साहब को थ्रेट दे दिया कि ये टेक्नोलॉजी मैं मात्र 25,000 रुपये में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप जो भी एक्शन मेरे अगेंस्ट लेना चाहते हो ले लो, लेकिन ये चलेगा। और मैंने उसी रोज चेक ले करके अपने पास उसको एक घंटे भी नहीं रखा। हमारा DCDA डिपार्टमेंट होता है अकाउंट का, डिफेंस का, उसमें उसको भेज दिया साथ के साथ, क्योंकि दिल्ली की बात नहीं दिल्ली में। तो उसके बाद वो डायरेक्टर साहब भी, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया ना ही सबने, उसने केस को खोला ही नहीं, उसने इग्नोर किया, आंखें बंद की। और फिर जब प्रोडक्ट किसी एग्जीबिशन में डिस्प्ले हुआ, बेवरेज और लोगों ने पसंद किया, और जो बॉस थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और कलाम साहब के अप्रिशिएट करते ही सीबक थोन की गाड़ी चल पड़ी। उन्होंने फिर उसको सपोर्ट किया, फिर उसके बाद हमको कोई उसमें दिक्कत नहीं आई। उसके बाद प्रोजेक्ट भी सेंक्शन हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, रिव्यू हुए, पता नहीं क्या क्या होता रहा। तो इस तरह से ये सीबक थोन निकल करके चला। और उस टाइम पर जब मैं हेडक्वार्टर में डायरेक्टर होकर के आ गया था, करीब 30 लेबोरेटरीज को DRDO ने फंडिंग करके इस पे रिसर्च कराया था। IT की डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो लेबोरेटरीज है उनके ऊपर उनको फंडिंग करके कराया था। तो जब सब जगह से ठीक ठाक आ गया, ये चल रहा है जो आपको यहाँ पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सब उसी का असर है। और मैं भूपेंद्र जी अभी मेरे साथ थे, तो उनको मैं कहानी सुना रहा था कि सीबक थोन का मेरे ऊपर ये प्रयोग कैसे हो गया। मैं उनको सुनाया, मेरा बाबा रामदेव जी के यहाँ थोड़ा बहुत पहले से संबंध है, तो मेरे को कोई थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो कभी कभी पूछ लेता हूँ भैया क्या करना है। तो मेरे पैरों पे कुछ सफ़ेद चिकत्ते से पड़ गए थे, जो कि मेरे वाइफ भी कहती थी इनका कुछ कराओ नहीं, करते क्यों नहीं हो, मैं परवाह नहीं करता। मैंने कहा है स्किन प्रॉब्लम है, कोई खुजली नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ देखने में तो खराब लगता है, उससे क्या क्या जाता है। तो खैर जब ज़्यादा प्रेशर आया, बेटिया ने भी बोला, वाइफ ने बोला, मेरे को भी कुछ लगा एक रोज, मैंने कहा ज़्यादा हो गया है। तो मैंने आचार्य बालकृष्ण जी को लिख दिया कि ये थोड़ा मेरे को बताइए क्या है। मैंने अपने पैरों की फ़ोटो ली, और आजकल टेक्नोलॉजी तो आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट है कि कुछ भी सोचिए फटाफट होता है, आपका कोई देर नहीं लगती। तो मैंने अपनी ये भेज दी फिगर, और उधर से आ गया प्रेस्क्रिप्शन, और उसमें एक प्रेस्क्रिप्शन में सीबक थोन टैबलेट था। अब आप सोच सकते हैं यदि आप मेरी जगह होते तो क्या सोचते हैं। मेरी क्या हालत हुई होगी तब देख करके। तो खुशी हुई कि उस लेवल तक पहुंच गया कि कम से कम बाबा रामदेव के जो वैद्य जी की इतनी बड़ी बैठली है थ्राउट दी कंट्री, उन्होंने इसको प्रेस्क्राइब करना तो शुरू किया, जिसका कि मेरे को प्रूफ मिला। तो कहने की बात यह है कि इसके अंदर जो है ना, आप लोगों को बहुत कुछ बताया गया होगा, सब कुछ है। मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा बोल दूं, तीन चीजें याद रखिए जो इसके अंदर है। न्यूट्राक्यूटिकल जो कि जिसका मतलब है न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन का मतलब है जो जिससे आपकी ये ताकत
वगैरह सब बनी रहती है, जो आपको एनर्जी देता है और आपकी बॉडी को मेंटेन करता है। सो ये सी बकथॉर्न जो है ना, इज फुल ऑफ न्यूट्रा क्रिटिकल्स। बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, लंबा भाषण देने के लिए तो कई दिन तक चल सकता है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन यदि आप ये तीन चीज़ें आज मेरी बताई हुई याद रख लेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे अपने जो भी आप करते हैं, मार्केटिंग करते हैं या जो भी करते हैं। दूसरा है इसका कॉस्मिक क्यूटिकल। कॉस्मिक क्यूटिकल का मतलब है जो भी आपकी सुंदरता या स्किन से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं, स्किन से रिलेटेड बाहर का आपका जो भी है, हमारा ये है बनावट के बाहर जो दिखाई देता है उसका, तो इस फुल ऑफ कॉस्मिक क्यूटिकल। स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसका इसमें आंसर है। न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका इसमें आंसर है। और तीसरा जो है, यदि किसी को बीमारी हो गई, कुछ बीमारियां हो गई, कुछ सारी बीमारी का नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों में और कुछ सीरियस बीमारियों में भी ये काम आता है, तो फार्माक्यूटिकल्स, न्यूट्राक्यूटिकल्स, कॉस्मिक क्यूटिकल्स एंड फार्माक्यूटिकल्स इज फुल ऑफ दिस। सबकी बहुतायत इसके अंदर है। बाकी डिटेल पढ़ने के लिए आप लिटरेचर पढ़ेंगे, देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि सभी मिलेगी। और ये सबसे अच्छा इसके अंदर बात ये है, पौधा होता है, पौधे का कोई पार्ट जो है ना वो यूजफुल होता है और उसकी ज़्यादा वो होती है कि इसके लिए करना है। गेहूँ में भी आप दाने के लिए उगाते हैं, चावल में भी दाने के लिए उगाते हैं, किसी और चीज़ में पत्ती के लिए उगाते हैं, किसी और चीज़ में जड़ के लिए, अश्वगंधा जड़ चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। इसमें इसका फल और इसकी पत्ती दोनों भी न्यूट्राक्यूटिकल, कॉस्मिक्यूटिकल और फार्माक्यूटिकल से भरपूर है। आप चाहे इसकी पत्ती इस्तेमाल करें या इसका फल इस्तेमाल करें या इसके फल का बीज इस्तेमाल करें, सभी में इसकी भरमार है। तो इन चीज़ों के अलावा भी मैं सिर्फ आपसे संबंधित जो इसमें गुण हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे गुण हैं। ये जमीन के कटाव को रोकता है, इसकी जड़ें जो है ना नाइट्रोजन फिक्स करती हैं और भूमि की उर्वरता को बढ़ाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके मतलब की ही बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं और मुझे खुशी है कि ये कंपनी विनजरा जैसी कंपनी ने अपना पूरा इसमें ताकत लगा दिया है। और इन्होंने इस पौधे को पहचाना है और पहचान करते करते लद्दाख तक पहुंच गए हैं। इनकी पूरी टीम जो है ना, मैंने सुना अभी पीछे लद्दाख का भ्रमण, जितना लद्दाख का मेरे को नॉलेज है उससे कहीं ज़्यादा इनको हो गया। मैं अभी बात कर रहा था वहाँ की, तो ये ऐसी ऐसी जगह गए हैं और सी बकथॉर्न को देखा है। शायद आपको कुछ थोड़े दिन बाद ये वीडियो बनाए होंगे, इन्होंने अच्छे अच्छे बनाए होंगे, ज़रूर बनाए होंगे, क्योंकि वहाँ जा करके आदमी रह ही नहीं सकता बिना वीडियो बनाए। आजकल टेक्नोलॉजी है, मेरे टाइम पर नहीं थी, नहीं तो मैं भी बहुत सारे वीडियो बनाता। लेकिन उस टाइम पर भी एक हंसी वाली बात मैं बताऊँ, मेरे से रहा नहीं गया, तो वहाँ पर एक बड़ी पिछड़ी हुई जगह थी, ले एक कोई फिल्म बनाता था, फिल्म छोटी छोटी फिल्म बनाता था, जम्मू का रहने वाला। मैंने उसको एंगेज किया और मैंने उसे फिल्म बनवाई, अपने एस्टेब्लिशमेंट की फिल्म बनवाई, उसमें शायद कहीं से फोन होगा, ज़रूर होगा। लेकिन वो फिल्म भी किस तरह से आप जानते हैं, आजकल देखने को भी नहीं मिलेगी, किस तरह से उनको स्टोर किया जाता था, वो स्ट्रिप की तरह से चलती थी जो भी कुछ है। बहरहाल तो कह रहा नहीं जाता क्योंकि वो एरिया इतना यूनिक है। और मैं कहता हूँ जिसको आप में से जितनों को चांस मिले, प्लीज़ अपनी लाइफ में कभी एक बार
लेह लद्दाख जरूर जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ पर चैलेंज क्या क्या है। अब ये जो चैलेंज है वो प्रकृति का नियम है, चैलेंज दिया है तो वहाँ पर कुछ वो चैलेंज मीट करने की वो क्षमता भी देता है। प्रकृति अपने मामले में किसी को अन्याय नहीं करता है। यदि कहीं सुविधाएं दी हैं तो बहुत सारा उनसे एक्सपेक्टेशन भी है, यदि कहीं मुसीबत दी है तो उसका निदान भी है, वो इंसान ढूंढ रहा है अपने आप। तो वहाँ पर भी उस एरिया के पोटेंशियल बहुत है, इतने ज़्यादा पोटेंशियल है कि आपको यकीन नहीं आएगा। अभी वहाँ पर मेरी सीट वो कल परसों ही बात कर रहा था, कहने के साहब बड़े बड़े अफसर आकर के यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल और पता नहीं क्या क्या आकर के, साहब हमारे पास एक 15 kg का पंपकिन आया है इस बार, 15 kg का पंपकिन, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उठता नहीं। तो वहाँ के पोटेंशियल इतने हैं, वो वहाँ पर जो भी चीज़ है थोड़ा रोबस्ट होता है, उसके लिए साइंटिफिक रीजन है, ऐसे नहीं है कि तो वहाँ में कुछ जादू है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर डे लेंथ लंबी होती है, दिन जो है ना समर में करीब 15 घंटे करीब लाइट होती है, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी चलती रहती है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में फूड बनता रहता है, स्टोर होता है, और नाइट छोटी होती है जिसमें कि वो खर्च होता है, तो खर्च कम पैदावार ज़्यादा, तो डिपॉजिट ही होना है, जो खाते हैं जो अनाज वगैरह होता है ये सब उसमें इसी तरह से हमको मिलता है, उससे बचा हुआ। तो उसकी वजह से वहाँ पर जहाँ भी डे लेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पर फसल अच्छी आएगी और ठीक ठाक होगी, तो उसका साइंटिफिक रीजन ये है। तो खैर विंजेरा की बात कर रहा था, विंजेरा के प्रोडक्ट जो है ना मैंने भी ट्राई किए हैं, बहुत अच्छे हैं, और अच्छी बात यह है कि लोग उसमें वेराइटी लाए हैं। और जो तीन चीज़ें मैंने बोली हैं ये तीनों सेक्टर में, न्यूट्राक्यूटिकल में भी है, कॉस्मिक्यूटिकल में भी है, और कॉस्मिक्यूटिकल में तो एक इन्होंने मेरे को बताया था जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं हाथ पे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होता है लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो उसको ठीक करना है, और ठीक करने के लिए आई थिंक सीबक थोड़ जैसी चीज़ें काफ़ी अच्छी है उसके लिए, जिस पे कि ये लोग काम कर रहे हैं, आई एम श्योर इनको कुछ दिनों बाद आपको प्रोडक्ट दे देंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट देंगे। तो और भी बहुत सारी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं इंडस्ट्री, लेकिन विंजेरा ने जितना शॉर्ट पीरियड में जो देखा इनसे मेरा 2-3 साल का ही संबंध हुआ है, सिंसियरिटी से ये काम कर रहे हैं, और आप लोगों की प्रेजेंस से बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है कि कितनी सिंसियरिटी के साथ होता है। मेरी शुभकामनाएं हैं विंजेरा टीम को भी, सारे ही बहुत अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, सबसे बड़ी चीज़ है ऑनेस्ट है, हेरा फेरी वाला पैसे कमाने हैं तो हेरा फेरी कर लो, पैसे कमा के चलते बनो, वो नहीं है, करना है तो ठीक करना, नहीं तो छोड़ देना। तो खुशी की बात है आप लोगों का संबंध भी ऐसी टीम से हुआ, मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मेरा इनके साथ मुलाकात हुआ, तो जो थोड़ा बहुत मेरे को आता है मैं इनके साथ खुशी खुशी से शेयर करता हूँ। जब ये लद्दाख में थे तो शायद रोजाना ही बात करते थे कहाँ पर हो, किस तरह से हो, क्या है, इस तरह का चलता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग विश्वास करिए, और विश्वास करके अपने तरीके से जो भी होता है लोगों की भलाई में लग जाइए। प्रोडक्ट में बहुत जान है और वाइड स्कोप है, जो जैसी समस्या है उसका थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिए, उसी वे में उसी तरह का प्रोडक्ट दीजिए, और नहीं तो जो अपने आप को कहता है मैं हेल्दी हूँ ठीक है, उसके लिए भी यदि वो इस्तेमाल करता है तो उसकी हेल्थ बनाए रखने के लिए ये ठीक है। रोजाना आप देख 2 चम्मच के दूध का फ्रूट का जूस ले लेते हैं, नथिंग लाइक दैट, लेकिन अभी आगे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लेह में तो हो गया है, आई एम श्योर यहाँ नीचे